Hello students, welcome to CR International School online classes. I am your math teacher. We will discuss about division. I hope अब तो समझ में आ गई होगी बेटा आपको division, या अभी भी doubts है? अभी भी doubts है तो आज मैं फिर से, आज मेरा last video है बेटा division सिखाने का. कल हम करेंगे words problem, यानी statement sums. Okay, word problem करेंगे. आज ये last video है division की. फिर भी डाउट हो तो आप पर्सनली कॉल करके मुझसे पूछ लेना. ओके बेटा, यस. मान लो बेटा 237 डिवाइड बाय 4. 237 को हमें 4 से डिवाइड करवानी है. सबसे पहला स्टेप होता है हमारा टेबल राइट करना. सबसे पहला स्टेप क्या होता है? टेबल राइट करना. 237 डिवाइड बाय 4, फर्स्टली टेबल. टेबल लर्न होनी चाहिए बेटा सबको, इवन 10 तक तो लर्न होनी ही चाहिए. मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये आपके 10 तक तो है. सभी बच्चों को 10 तक टेबल लर्न होनी चाहिए और अपनी अपनी वीडियो बनाकर टेबल की मेरे पास सेंड करोगे. गॉट इट? ये देखो 4 2 8, 4 3 12, जिसको लर्न है बोलते जाओ. 4 5 20, 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40. Got it? अब चलो, firstly हम यहाँ पे 4 0 0 ये भी राइट करेंगे. ठीक है, ये क्या है? 4 0 0, 1 जा 2 जा पे 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा 10 जा. ओके, अब देखो क्या 4 की टेबल में 2 आता है? नहीं आता ना बेटा. कहाँ है 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 1 जा 4, 2 तो है ही नहीं. तो हम 2 से स्मॉल क्या लेंगे? 0. और ये कब है? 0 जा पे. 4 0 जा 0 माइनस करेंगे. अब हमने क्या किया बेटा? माइनस. अब आप एक ध्यान रखना, हम दो डिजिट होगी तभी तो माइनस करेंगे ना, एक की डिजिट में तो माइनस नहीं होगी. लो हमने ऐसे कर दिया, पहले यहां डंडा लगा दिया फिर 0 लगा दिया कि हमने 4 0 0. नो बेटा, हमेशा जब हम माइनस करते हैं, जब हम माइनस करते हैं कोई भी डिजिट, तो 4 माइनस 3, तो हम ये दो डिजिट्स होती है ना तभी ये डंडा लगाते हैं ना, तभी इसको डंडा लगा के हम 4 में से 3 कट 1 तभी करते हैं ना. या आप ऐसे करते हो 4 3 4 में से 3 कट 1, ऐसे करते हो? नहीं ना. हम क्या करते हैं बेटा, 4 में से 3 कट करेंगे तो 2 डिजिट्स होगी, तब इसको यहाँ डंडा लगाएंगे, 4 में से 3 कट होगा तब 1 आएगा. राइट, सेम सिचुएशन हमारी यहाँ है. 4 0 जा 0, 2 डिजिट हो गई, माइनस हो जाएगी ना. जब 2 डिजिट हो गई तो माइनस तो हो ही जाएगी. चलो माइनस करते हैं, 2 में से 0 कट 2, और ऊपर से ये गाड़ी लेके आया 3. कितने बन गए? 23. क्या 4 के टेबल में 23 है? नहीं है, क्योंकि 4 6 जा 24 है, 23 तो है नहीं. अब 23 नहीं है तो हम 23 से स्मॉल लेंगे. अब देखो 23 से बिगर क्या है? 24 बिगर है ना, और 24 से स्मॉल क्या है? 20 है ना बेटा, ये 23 है, यानी 23 से स्मॉल 20 आ गया, और 24 से भी स्मॉल है. 24 23 से बिगर है, ठीक है, उसके ऊपर वाली डिजिट होगी वो इससे स्मॉल होगी. क्लियर? अभी कई बच्चे क्या कह रहे हैं, मेरे पास क्या कंप्लेंट आ गया बेटा, 23 से छोटा तो 16 भी है, 23 से छोटा तो 23 से छोटा कौन सा? अब पता क्या कहते हो बेटा, 23 से छोटा आप कहते हो 12 भी है, 16 भी है, 20 भी है. नहीं, पहले हम 23 से बिगर ढूंढ लेते हैं. 23 से एक बार देखो, पहले 23 ढूंढो, 23 नहीं है. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 24, 6 जा 24, 23 से बिगर है 24 है ना, 23 से बिगर. अब 23 तो है नहीं, और ये 24 जो है इससे बिगर है, बड़ा है, तो हम 23 से स्मॉल कौन सा लेंगे? इससे ऊपर वाले से 20. 23 से स्मॉल है ना, तो क्या जाएगा यहाँ पर? 20. कितने पर है? 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 4 5 जा 20. अब देखो
डंडा कहाँ लगाए, माइनस कब होगा, इन दोनों डिजिट नंबर्स में तो ही माइनस करेंगे, या हम यहाँ डंडा लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे, नो, माइनस कहाँ होगा बेटा, माइनस होगा हमारा टू नंबर्स के बीच में, ओके, थ्री में से जीरो कट, थ्री, टू में से टू कट, जीरो, ऊपर से ये गाड़ी लेके आया सेवन, यहां उतर गया सेवन, क्या बन गया ये 37। अब देखो फोर के टेबल में 37 है, फोर नाइन जा 36, फोर टेन जा 40, कहीं 37 नहीं है, 37 नहीं है क्योंकि 40 आ गया 37 से बिगर, तो 37 से स्मॉल कौन सा है, 36, 32 ये भी स्मॉल है बट 37 से स्मॉल 36 है, लास्ट 36 है ना, 40 बिगर हो जाता है और 36 स्मॉल, तो 36 यहाँ जाएगा, 36 कब है ये, 4 9 जा 36, माइनस किया 7 में से 6 कट 1, 3 में से 3 कट 0, ओके, अब हमारा यहाँ कोई भी डिजिट नहीं है जो गाड़ी लेकर नीचे आए, तो हमारा ये रिमाइंडर बच गया, ओके, अब हमारा ये रिमाइंडर, अब हम यहाँ लाइन लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोई डिजिट ही नहीं है जिसमें से हम इसको माइनस करेंगे, ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या आ गया बेटा, क्वेश्चन है हमारा 59, जीरो भी लगा सकते हैं, और रिमाइंडर क्या है हमारा 1, गॉट इट बेटा, नेक्स्ट सम है बेटा हमारा 9051 डिवाइड बाय 7, 9051 डिवाइड बाय 7, हमें 9051 को किससे डिवाइड करवाना है, 7 से, सबसे पहले 7 की टेबल राइट करना, ओके, 7 बोलते जाओ बेटा, वेयर, वेरी गुड, ओके, हमने 7 की टेबल राइट कर ली, अब हम क्या करेंगे इसको डिवाइड, फर्स्ट डिजिट क्या है 9, क्या हम यहाँ जीरो जा नहीं लगाएंगे बेटा, 7 जीरो जा 0, अब देखो क्या 7 की टेबल में 9 आता है, नहीं है, 9 से स्मॉल क्या है, आप देखो 9 से स्मॉल 0 भी है, 9 से स्मॉल 7 भी है, 9 से स्मॉल 14 है, नहीं, 14 इज बिगर, तो स्मॉल कौन सा हुआ, 7, हमने यहाँ क्या लिखा 7, कब है ये 1 जा पे, 7 1 जा 7, टू डिजिट्स आ गई, तो टू डिजिट में ही माइनस होगा ना, हम इसे माइनस करेंगे, 9 में से 7 कर 2, अब ऊपर से ये भैया गाड़ी लेके आया 0, कितने बन गए 20, क्या 7 की टेबल में 20 है, हम देखते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ये 20 है, ये 21 है, 21 यानी बिगर आ गया, 20 तो है नहीं, तो हम 21 बिगर है तो 20 से स्मॉल कौन सा है, 14, क्या है बेटा 14, कब है ये 7 1 जा 7 2 जा, यहाँ क्या आ गया 7 2 जा 14, अब माइनस करेंगे, 0 में से 4 कट होगा, नहीं होगा, जब 0 में से 4 कट नहीं होगा तो ये आगे वाले भैया से क्या लेगा, बोरो, चलो ये बेटा बोरो लेगा, ये 10 बन गए और ये 1, 10 में से 4 कट 6, 10 में से 4 कट 6 और 1 में से 1 कट 0, नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 5, अब ये भैया 5 अपनी गाड़ी लेके आएगा इस पटरी पर और यहाँ ये उतर गया, कितने बन गए 65, अब 7 की टेबल में देखो क्या 65 है, 7 1 जा 7, 2 जा 14, 3 जा 21, 4 जा 28, 5 जा 35, 6 जा 42, 7 जा 49, 8 जा 56, 9 जा 63, 10 जा 70, कहीं भी नहीं है हमारा 65, 65 से स्मॉल कौन सा है, 70 तो बिगर हो गया, 63 इज अ स्मॉल, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 63, कब है ये 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा, यानी 7 9 जा 63, दो नंबर्स हो गए तो हम इसे माइनस कर सकते हैं, अब 5 में से 3 कर 2, 6 में से 6 कर 0, अब यहाँ भी ये एक डिजिट और बच रही है ना, इसको नीचे लेके आएंगे गाड़ी, ये भैया अपनी गाड़ी लेके आया और यहाँ नीचे उतर गया 1, कितने बन गए 21, क्या 7 की टेबल में 21 आता है, चलो देखते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 आता है, कब आता है 3 जा 7 3 जा 21, हमने यहां से 21 उतारा और यहां राइट कर दिया, कब है ये 7 3 जा 21, अब हम माइनस करेंगे इसको क्योंकि 2
टू नंबर्स हो गए, वन में से वन कट जीरो, टू में से टू कट जीरो। अब यहाँ कोई डिजिट है जो आगे अपनी गाड़ी लेके आएगा? नहीं। तो हमारा ये सम यहीं पर ही फिनिश हो गया, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं है, ओनली क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या आ गया हमारा बेटा, 1293। क्या आया क्वेश्चन? 1293। गॉट इट बेटा? नेक्स्ट सम है बेटा हमारा 4756 डिवाइड बाय 8। हमें 4756 को किससे डिवाइड करवाना है? 8 से। चलो 4756 डिवाइड बाय 8। सबसे पहले हम 8 की टेबल राइट कर ले बेटा। 8 वन सा 8, पीछे पीछे बोलते जाओ। ओके, 8 की टेबल राइट कर ली। अब डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या है? 4 सा हम यहाँ क्या लगा देंगे? 0, 0 लगाएंगे ना, 8 0 0। ओके, 8 की टेबल में 4 आता है? नहीं, क्योंकि 4 स्मॉल है और 8 बिगर है। लेकिन हमारा क्या रहा है? 0। तो यहाँ क्या लगा देंगे? 8 0 0। चला गया ना, 4 सिर्फ स्मॉल है ना, 0। 8 0 0 माइनस किया तो 4, और ऊपर से ये गाड़ी लेके आया 7। कितने बन गए? 47। क्या 8 की टेबल में 47 है? 1 8 2 16 3 24 4 32 5 40 6 48। 47 से बिगर आ गया 48। 47 तो है ही नहीं, 48 है। तो उससे स्मॉल ले लेंगे 40। क्या आ जाएगा? 40। माइनस कर देंगे। अब हम इसे कब आया ये? 1 2 3 4 5 8 5 40। माइनस किया तो 7, 4 में से 4 कट 0। अब ये भैया अपनी गाड़ी लेकर आए 5। कितने बन गए? 75। क्या 8 की टेबल में 75 है? 8 8 64 9 72 8 80 नहीं है। तो हम 75 से स्मॉल लेंगे, छोटा कौन सा है 75 से? 72। 80 तो बिगर हो गया और 72 स्मॉल हो गया। यहाँ क्या जाएगा? 72। यहाँ से इसे उतार दिया। कब है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 72। माइनस करेंगे, 5 में से 2 कट 3, 7 में से 7 कट 0। अब ऊपर से ये भैया अपनी गाड़ी लेकर आए 6। ओके, कितने बन गए ये हमारे? 36। क्या 8 की टेबल में 36 है? चेक करते हैं। 1 8 2 16 3 24 4 32 5 40। ये 36 है, ये 40 है, यानी 36 तो है नहीं, 40 इज द बिगर। तो हम 36 से स्मॉल क्या होगा? 32। यहाँ क्या राइट कर देंगे हम बेटा? 32। कब है ये? 1 2 3 4 8 4 32। माइनस करेंगे, 6 में से 2 कट 4, 3 में से 3 कट 0। ओके, अब हमारा ऊपर कोई नंबर है या कोई डिजिट है जो गाड़ी लेकर आएगा? नहीं है। तो हमारा यहीं पर ये सब फिनिश हो जाता है। और ये हमारा क्या बन जाएगा बेटा? क्या है ये? रिमाइंडर। और ये क्या है हमारा? क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया बेटा? 594। ओके, 594। और रिमाइंडर क्या है हमारा? 4। खाली 4 भी लिख सकते हैं। ओके बेटा, क्लियर हो गया। अब तो ये क्वेश्चन है, ये रिमाइंडर है बेटा। डिवाइड जो है वो प्रैक्टिस मांगती है। आप अपने मन से या बुक में से सम लो और खुद रफ नोटबुक में उसे बार बार प्रैक्टिस करो। जितनी टाइम इसकी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी डिवाइड क्लियर होगी। आप सोचोगे मैंने समझा दिया, ठीक है देख लिया बस, तो ऐसे आपकी डिवाइड क्लियर नहीं होगी। खुद सम्स लो, खुद उसे डिवाइड करो और अपने पेरेंट्स से चेक करवाओ। पेरेंट्स चेक नहीं करते तो मेरे पास आप अपनी पिक भेजो कि मैम हमने ये डिवाइड किया अपने मन से, राइट है या फिर रॉन्ग है। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।